आत्महत्या करने घर के बाहर निकल गया और कुछ पल के समय के बाद बस अपना जीवन गंवाना था। वही समय बाबा का सेवक मिला, मार्गदर्शन किया और उसके बाद में मानव धर्म में प्रवेश किया उस इंसान ने, और उसका कैंसर कहाँ गया कहाँ नहीं, आज मंडल के वो बहुत बड़े अधिकारी है। यहाँ मंडल तो आया नहीं, देशमुख कहते हैं उसको, याद रखोगे यहाँ से काट हो गए। आज इस मंडल के बहुत बड़े पदाधिकारी बाबा के सभी सेवक देवी गए। मेरी माता बहने ध्यान से सुनना, 4 साल का बेटा जिसका नाम है मोहित, उनके पिताजी का नाम महेश, उनकी शरण भोंडेकर मुक्काम शंकर पिपरिया तहसील खैरला जी जिला बालाघाट। प्रस्तुत करता परमात्मा एक गायक कन्हैया जी ग्रुप लही टोला साका गोदिया। अरे छोटा बालक मोहित नाम रखा, बालक मोहित नाम रखा, छोटा बालक मोहित नाम रखा, पिता महेश भोंडे कर नाम लिखा, राम शंकर भी बरिया गए जमाए जमने करना, जमाए जमने करना, जमाए जमने करना।
छोटा सा बालक 4 साल का बेटा जिसका नाम है मोहित, उनके पिताजी का नाम महेश, उनकी सरनेम ढूंढेकर मुकाम शंकर पिपरिया तहसील खैरलाजी जिला बालाघाट। बाबा किसी को क्या हुआ, महेंद्र ढूंढेकर और महेश ढूंढेकर ये दोनों भाई, महेश ढूंढेकर ये बड़ा भाई और महेंद्र ढूंढेकर ये छोटा भाई, अब दोनों जवान हो गए दोनों भाई और जवान होने के बाद में दोनों की शादी एक ही बंडे में एक ही दिन हुई। दोनों भाई की शादी एक ही दिन की उन्होंने। अब बड़े भाई ने सुबह शादी लगाया 11-12 बजे बड़े और फिर छोटे भाई ने और कहीं शाम को शादी लगाया, यानी एक ही दिन में दोनों भाई की शादी साथ में हुई। शादी साथ में हुई, दोनों बहू बेटी घर में साथ में आई। अब साथ में आने के बाद में बड़े भाई के तरफ में लड़का हो गया, यानी पुत्र प्राप्ति हो गई बड़े भाई को महेश गोंडेकर को और उसी का ये बेटा है मोहित गोंडेकर। अब दोनों भाई की शादी साथ में हुई, दोनों बहू बेटी साथ में आई, लेकिन सबसे पहले पुत्र प्राप्ति हो गई बड़े भाई को, किसको, महेश गोंडेकर को। अब उसी का बेटा ये मोहित। तो बाबा के सेवक को मेरी माता बहने सबके सबसे पहले पुत्र प्राप्ति हो गई बड़े भाई को और छोटे भाई को पुत्र प्राप्ति हुई नहीं। अब छोटा भाई कहने लगा बड़े भाई से, यानी महेंद्र ढूंढेकर महेश ढूंढेकर से कहने लगा, बोले भैया शादी साथ में हुई यार, बहू बेटी साथ में आई, तेरे तरफ में पुत्र प्राप्ति हो गई, मुझे हुई नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया। भाऊ तू एक काम कर ना, छोटा भाई कहने लगा बड़े भाई से, भाऊ तू एक काम कर, ये जो मोहित है ना तेरा बेटा, इसको मुझे गोद पुत्र दे दे, मैं इसका लालन पालन पालन पोषण मैं करूंगा। वो समय बड़ा भाई कहने लगा, अबे बोले पगले, भाई जैसा सजन नहीं और भाई जैसा दुश्मन नहीं, भाई जैसा सदन नहीं भाई जैसा दुश्मन नहीं, तेरा बेटा क्या मेरा बेटा क्या, तू जितना करेगा उतना मैं करता हूँ, मैं जितना करूंगा उतना तू करेगा, सिर्फ तेरा और मेरा क्या, इसमें क्या बात है, तेरी इच्छा है बोले बेटे को रखने की, रख लेना बे कोई बात नहीं। तो अपने भाई बच्चे को अपने भाई को गोद पुत्र दे दिया। बाबा किसी को ध्यान से सुनोगे, अब वो बच्चे का लालन पासन खाना पीना उसका लाल प्यार काका काकी करने लगे और इतने प्यार में पागल हो गए वो काका काकी रंजीता भाई ढूंढेकर और महेंद्र ढूंढेकर हद के बाहर, यानी माँ बाप से बढ़कर के मिल करके माँ बाप से बढ़कर मिल करके उस बच्चे को काका काकी से प्यार मिलने लगा और इतने पागल हो गए बच्चे के प्यार में, इतने पागल वो भी लड़का इतना पागल की थोड़े देर काका काकी नहीं दिखे तो बेटा खाना पीना छोड़ देते था, बुखार आ जाते था, तबीयत खराब हो जाती थी, रोना गाना मचा देते था, इतना पागल हो गया वो लड़का सिर्फ काका काकी के प्यार में, क्योंकि काका काकी से ही माँ बाप से बढ़कर से मिल करके वो उसका यानी मतलब सेवा होने लगी। तो बाबा के सेवको ऐसा संसार चलते चला और कुछ समय बाद कुछ दिन के बाद उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई और ऐसी तबीयत खराब हुई कि वो लड़का बटा हरी हरी उल्टी करने लगा। अब काका काकी के पास में था, अपने औलाद से बढ़कर के भी उस बच्चे से काका काकी प्यार करते थे। महेंद्र ढूंढेकर को कुछ समझ नहीं आया बच्चे का काका, इसका दिमाग खराब हो गया, बच्चे की तबीयत खराब हुई, लड़का हरी हरी उल्टी करने लगा, तो इसने बच्चे को उठाया, अपने भतीजे को उठाया और अजय जी अग्रवाल तुमसर वाले डॉक्टर साहब इसके दवा खाने में उसको ला करके एडमिट कर दिया। बच्चे को लाया, 2-3 दिन हो गए दवा खाने में आराम लगता नहीं, सबका दिमाग खराब हो गया। महेंद्र ढूंढेकर बच्चे का काका कहने लगा, डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब अग्रवाल जी क्या चमत्कार है, समझ में नहीं आता यार, 2-3 दिन हो गए मैं अपने बेटे को यहाँ दवा खाने में रखा हूँ, 5 पैसे का आराम नहीं है। डॉक्टर साहब कहने लगे, यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यार, बच्चे को आराम लगता क्यों नहीं। फिर डॉक्टर साहब बोलने लगे, महेंद्र ढूंढेकर महेश ढूंढेकर आप एक काम करो, बोले इसको बोले भंडारा लेके जाओ, इसका बोले सिटी स्कैन सोनोग्राफी एक्सरे तीनों करवा, सिटी स्कैन सोनोग्राफी एक्सरे करवा भंडारा ले जा करके।
और इसके बाद में बोले पता लग जाएगा कि इस लड़के को कौन सी बीमारी है और उसके बाद में हम इसका इलाज करेंगे। राजा बोले दाढ़ी वाले ने त्याचा करते हुए कौन मोड़े करना तो पड़ेंगे। एम्बुलेंस बुलाए, बच्चे को गाड़ी में बिठा ला भैया। वहां से एम्बुलेंस निकली, आधे रात तक गई, जा रही है। अब काका काकी ने एम्बुलेंस में छोटे से बच्चे को पकड़ लिया था और लाड चुमन करने लगी। हालात तो ऐसे दिख रही है, जन्म दिया देवकी ने और पाला यशोदा ने, है ना बाबा की सेवको। इतना लाड चुमन करने लगी, काकू रंजीता बाई भोंडेकर, महेंद्र भोंडेकर, और धड़धड़ रोने लगा, सारा परिवार रोने लगा। और काकू कहने लगी, बेटे मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। और लाड चुमन करते करते कहती है क्या, अरे मोहित मेरा प्यारा लल्ला, अरे मोहित मेरा प्यारा लल्ला, सीता भोला वाला, गोदी में सुलाया मैंने पति पंचपाला, 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 मोहित मेरा प्यारा लल्ला, मोहित मेरा प्यारा पाला, मोहित मेरा प्यारा लल्ला, सीता बोला वाला, गोदी में सुलाया मैंने पति पंचपाला, गोदी में सुलाया मैंने पति पंचपाला, गोदी में सुलाया मैंने पति पंचपाला। मोहित मेरा प्यारा लल्ला, सीता बोला वाला, गोदी में सुलाया मैंने पति पंचपाला, गोदी में सुलाया मैंने पति पंचपाला, ला 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 सुमन करते करते धड़धड़ा रोने लगी रंजीता बाई भोंडेकर, काकू महेंद्र भोंडेकर, सारा परिवार रोने लगा। बेटे मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या होगा बेटा, तुझे समझ में नहीं आता। और रोते गाते सीधा भंडारा लेके गए। भंडारा में ले जाने के बाद में उसका सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे तीनों करवाया। वही एम्बुलेंस में डाल करके वही बच्चे को उसी दवा खाने में लाए। फिर अजय जी अग्रवाल ने रिपोर्ट चेक किया, आधे घंटे के बाद में सीडी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे तीनों देखा और महेंद्र भोंडेकर, महेश भोंडेकर से कहने लगा, बोले भैया सीडी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे ये कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे के पेट में, बोले एक मेघ से ऐसे अतड़ी से अतड़ी पूरी चिपक गई है, इसलिए लड़का हरी हरी उल्टी कर। क्या कहा डॉक्टर साहब ने, ध्यान से सुनना भैया, पेट में, बोले बच्चे के पेट में एक मेघ से अतली पूरी एक मेघ को चिपक गई, इसलिए लड़का हरी हरी
बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा तो तुम्हारा बच्चा हाथ में आने वाला। ऐसी भाषा सुनकर दिमाग खराब हो गया सारे परिवार का, काका काकी माँ माँ दड़ दड़ रोने लगे। महेंद्र गोंडेकर कहने लगा, डॉक्टर साहब छोटा सा बच्चा है, हमारे बच्चे का ऑपरेशन कैसा कैसा होगा। डॉक्टर साहब कहने लगे, मैं तो बोल रहा हूँ यार सुन ले, होगा करना पड़ेगा। तो बोले डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी है, प्राइवेट दवा खाने में सरकारी में नहीं, इसका खर्चा क्या है। डॉक्टर साहब कहने लगे 60 से 70 हजार। 60 से 70 हजार जैसे बोले ना तो गरीब आदमी को कर 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 पसीना आ गया, कैसा करे क्या करे समझ में नहीं आता। फिर भी खुद के औलाद के लिए ना मेरे भाई, माँ बाप माँ और बाप घर के बर्तन क्यों ना बिक जाए, झाड़ के नीचे रहना पसंद करेंगे, मकान के ऊना बिक जाए, लेकिन अपने औलाद को बचाने की जरूर से जरूर कोशिश करते वो माता और पिता। महेंद्र बोले कर कहने लगा, भैया हम गरीब आदमी कहाँ से मैं 60 से 70 हजार रुपए लाऊं। डॉक्टर साहब कहते यार मैं जो बताता हूँ वो सुन, आपको क्या करना है नहीं करना है आप जाने। बोले ठीक है डॉक्टर साहब। महेंद्र जी बोले कर गाँव में गए, घर को गया, इससे 10 हजार, उससे 5 हजार, उससे 2 हजार, उससे 3, उससे 3, उससे 2, उससे 1, यानी उधार उसका किया। उधार उसा करने के बाद में भैया 60 से 70 हजार रुपए की राशि पकड़ के आया और डॉक्टर साहब से कहने लगा, ये लोग बोले डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर साहब कहने लगे, भैया बोले छोटा सा बच्चा है, ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, इसको नागपुर लेके जाना पड़ेगा। जैसे नागपुर बोला वैसे तो पूरे बल्ब फ्यूज हो गए सारे परिवार के, अब कैसा करे क्या करे समझ में नहीं आता। लेकिन बाबा के सेवको आखिर डॉक्टर की बात को आपको मान नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा चाहे इधर से हो या उधर से। बोले डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, बच्चे को लाए एम्बुलेंस में बिठाना, एम्बुलेंस बुला करके कार्यकर्ता जी बैठे, माँ बाप बैठे, काका काकी ने अपने गोद में पकड़ लिया बच्चे को और जल्दी वहां से एम्बुलेंस निकली। तुमसर से निकली तो कापा, वो रास्ते से देख लेने का झूठ नहीं बता, कापा से सीधा मोहाड़ी, मोहाड़ी से वरटी, वरटी से भंडारा और भंडारे से फिर सीधा हाईवे पे गाड़ी लग जाती है नागपुर के लिए। तो बाबा के सेवको भंडारा पार हुई गाड़ी, भंडारा पार हुई गाड़ी और महेंद्र भोलेकर बच्चे का काका कहने लगा, बोले एम्बुलेंस वाले भैया एक काम करेंगे यार, हम भी बाबा के सेवक है यार, इतने कुछ दिल नहीं है, अरे हमारा होगा हमको मिलेगा, उसका होगा लेके जाएगा, लेकिन मौदा आश्रम में बोले मैं और मेरा परिवार मेरा बेटा हम पहले बाबा के दर्शन करेंगे उसके बाद में नागपुर जाएंगे। एम्बुलेंस वाले ने जैसा आदेश वैसा काम, मारा टर्निंग सीधा रोड के बाहर लेके चले गया, अंदर आश्रम में गाड़ी खड़ी कर दिया, बच्चे को जल्दी से निकाले एम्बुलेंस से बाहर, आश्रम में लेके गए, अगरबत्ती कपूर लगाया, विनंती प्रार्थना किया, माँ बाप ने जो भी बोलना है बाबा से बोले और वो छोटा सा बच्चा भी कहने लगा, बाबा हनुमान जी, बाबा जमदेव जी मेरा ऑपरेशन करने मेरे माँ बाप लेके जा रहे, जो भी अपने बोली भाषा में वो छोटे से बालक ने बोला, बाबा मेरा ऑपरेशन करने लेके जा रहे, मेरा ऑपरेशन मत होने दो, अभी से मेरा पेट मेरा डॉक्टर फाड़ेगा बाबा, तो मेरे जीवन का क्या होगा बाबा, आप खुद डॉक्टर हो, मेरा ऑपरेशन मत होने दो बाबा, मेरा ऑपरेशन मत होने दो। जितना बोला लड़के ने, माँ बाप ने योग मांगा, काका काकी ने योग मांगा, फिर बच्चे को उठाए एम्बुलेंस में डाल दिए, आश्रम से गाड़ी निकली एम्बुलेंस नागपुर जाने के लिए, तो कम से कम 2 या 3 किलोमीटर जाता है आदमी और नदी मिलती है कनान नदी जिसको कहते हैं, बस नदी पार हुई एम्बुलेंस, नदी पार हुई एम्बुलेंस और गड़गड़ गड़गड़ पसीना आ गया पूरे लड़के को, पूरा ऐसा आंग नहला है जैसे उसका शरीर हो गया और कहने लगा, काकू आई काकू आई, मी मरून जातो की काय काकू, असं मला वाटते ग, एक वेळेस वाचवून दे ना आई मला तू ग, मी तुझा लाडका नाही का काकू, बोले बच्चे की भाषा, बच्चे के शब्द सुन के आत्मा खवल गई, काका काकी माँ बाप की और पूरा परिवार धड़धड़ रोने लगा। काका काकी कहने लगे, बेटे कुछ नहीं होता मेरे लाल, ऐसी बात मत कर,
काकू मुझे एक बार बता दो, मैं मर जाता हूँ कि क्या ऐसा लग रहा है ना काकू मुझे। सारा परिवार धड़धड़ा रोने लगी काकू रंजीता माई भोंडेकर महेंद्र भोंडेकर और कहते क्या, अरे घबराए काकू घबराए काका बाबा, अरे घबराए काकू घबराए काका, कैसा ये मौका हम पे आ गया है। मेरे काका रोते रोते बोले मोई बता मेरे काका, काकू आई आई मन मार दिया काकुआई एक वेळेस बोलावं आतमध्ये मी तुझ्या लाडाचा राजा आहे ना, अग काकुआई जीव माझा जाई आणि होईल पुण्याई आई तुझ्या यजमाना। आखिर जहाँ का आता पता लिखा था डॉक्टर साहब ने वहां ले जा करके गाड़ी खड़ी कर दिया, बच्चे को एम्बुलेंस से निकाला अंदर लेके गए दवा खाने में, वहां के डॉक्टर लोगों ने सीटी स्कैन सोनोग्राफी तीनों देखा, अरे बोले जल्दी जल्दी लेके जाओ बच्चे को, फट से ऑपरेशन करना है, फौरन ऑपरेशन करना है बच्चे का। और कम से कम उतने दूर बैठे थे डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर साहब इंचार्ज, वो डॉक्टर वहाँ के उस दवा खाने के इंचार्ज बड़े डॉक्टर साहब कम से कम वहाँ बैठे और यहाँ उनका चल रहा था हिसाब। वहां से दौड़ते आए बड़े साहब डॉक्टर साहब, वहां से दौड़ते आए बोले रुक जाओ आधा घंटा, इस बच्चे का ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं। बोले डॉक्टर साहब ऐसा क्यों, ये बोले सीटी स्कैन सोनोग्राफी एक्सरे देखो, मैंने देखा मुझे मालूम है, आप एक काम करो बोले इस बच्चे का बोले डबल से सीटी स्कैन सोनोग्राफी एक्सरे करो और इसके बाद में फिर ये बच्चे का ऑपरेशन होगा। अब वो बड़ा डॉक्टर था या कौन था ये आप समझते हो, सही है बाबा की सेवको मेरी माता बहने बड़े साहब ने बड़े डॉक्टर ने रोक दिया, उसके बाद में उसका डबल से सीरीज किया सोनोग्राफी एक्सरे करवाए उस बच्चे का।
डबल से सीरीज क्या सोनोग्राफी एक्सरे करवाए, आधे घंटे के बाद में रिपोर्ट आई, सिर्फ मत मात्र लड़का बाथरूम गया, हल्का सा संडास पैसा बैठा, उसका जो पेट ये सब सुन गया था पेट, वो सब पूरा कब से चिपक गया और लड़का गदगद गदगद हंसने लगा। आधे घंटे के बाद में रिपोर्ट आई कि बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। बाबा के सेवको वहाँ के डॉक्टर वहाँ के नर्स उनको बोल रहे थे कि यार जो भी आप भगवान की सेवा करते होंगे, जो भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते होंगे, धन्य तुम्हारे बापे। महेंद्र जी भोंडेकर ने मुझको फोन किया, बोले कन्हैया काका जी बात ऐसे की ऐसी हो गई, 60 से 70 हजार रुपए बच गए। मैंने कहा पगले, अबे 60 से 70 हजार को हटा, सबसे बड़ी ये महान कृपा उस भगवान की बाबा की कि तेरे छोटे से बच्चे का ऑपरेशन होने नहीं। चार बार जा चुका हूँ इसके घर में प्रोग्राम करने, चार बार, और अभी ये 12 फरवरी 2023 को महेंद्र भोंडेकर के तरफ में लड़का जन्मा, और ये 12 फरवरी को उसने वार्षिक का कार्यक्रम किया, फूल के जैसा बेटा जन्म आया उसके कोख से, उसके घराने में, उसके वंश से। तो बाबा के सेवको 12 फरवरी 2023 को उसने वार्षिक का कार्यक्रम किया, मैं गया था, वो लड़के को देखा ना, बहुत बड़ा हो गया बेटा, राजा भोज जैसा दिखे, राजा भोज जैसा, आज भी उसके पाव को आटा नहीं गड़ा, ये मैंने देखा हूँ। और आपको झूठ लगता होगा, मैं फोन नंबर देता हूँ, अब बात कर लो, झूठ कपट नहीं। इसलिए मान जाएगी बाबा जुमदेव जी ने बोले, मेरा करीब है मेरा धरी में, मिला सब कुछ है मेरा धरी में, thank you.